हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे हैं। वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। एंड एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट आज हम करने वाले हैं दिसंबर 2022 में जो एग्जाम हुआ था MCQ 22 का, उसके क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है मुझसे न्यूमेरिकल्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि देखो, न्यूमेरिकल्स एक या दो क्वेश्चन एग्जाम्स में आएंगे, उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन थ्योरेटिकल होंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपका ध्यान सिर्फ न्यूमेरिकल्स के ऊपर ना हो, बल्कि थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर ज्यादा हो। आप यकीन नहीं करेंगे कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ज्यादा है MCQ 22 में, जो कि एक प्रैक्टिकल पेपर है, स्टिल वहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतने ज्यादा है कि आप 100 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करके भी कर सकते हैं। इसलिए मैं न्यूमेरिकल्स MCQ 22 में बहुत ज्यादा प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। MCQ 5 जो है उसमें कुछ थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चंस अब आने स्टार्ट हुए हैं, पहले नहीं आते थे। तो उसके में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो में कोशिश करूंगा, अगला ही वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं उसमें क्वेश्चंस बता दूं जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि बुक्स में ही है। कुछ अलग से वो लोग नहीं देंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें कि कुछ अलग से वो लोग देंगे। जो बुक में क्वेश्चन होते हैं वहीं से आते हैं, तो अगर आप बुक को भी फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए नोट्स हम लोगों ने रेडी करके रखे हैं, चाहे वो MCQ 22 हो या फिर कोई और पेपर हो। जैसे कि ये पेपर जो है ये लास्ट सेशन में आया था, इस पेपर का सॉल्व भी हमारे पास अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि एक पेड ग्रुप है। सिर्फ 30 रुपीज पर मंथ का जो है उसका कॉस्ट है, बहुत ज्यादा नहीं है। देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी जॉइंड दैट ग्रुप। आई विश कि बाकी सारे स्टूडेंट्स भी ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बेनिफिट्स आपको मिलेंगी। क्वेश्चन पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑन डिमांड लेक्चर्स, जो नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे उसके ऊपर वीडियोस, नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 200 रुपीज पर पेपर के प्राइस पे मिल जाएगा। हर एक चीज की प्राइसेस जो है हम लोगों ने रिड्यूस कर दी है विद लॉन्चिंग दिस ग्रुप। बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है और बहुत ही सक्सेसफुल ग्रुप है। बीकॉम में भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ज्वाइन कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। खैर, ये तो काफी बातें हो गई। अब थोड़ा इस क्वेश्चन पेपर के बारे में, जैसे मैं बता रहा था कि एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि पिछले सेशन में जब एग्जाम हुआ था एमसीओ 22 का, तो किस तरीके से क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे, ठीक है ना। देखो, तो आपको स्टार्टिंग में दिख रहा होगा अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, है ना। कोई 5 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैं आपको एक बार आपको दिखा देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 8 है यहाँ पे, ठीक है ना। 8 में से सिर्फ आपको कितने आप अटेंड करने हैं, 5 5 × 20। हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, 10 + 10, ठीक है ना, 20 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और 20 × 5 कितना हो गया, 100। तो 100 मार्क्स का आपका पेपर है। पहला क्वेश्चन देखो, डिस्क्राइब द 4 स्टेट्स ऑफ डिसीजन एनवायरमेंट एंड मैनेजरियल एप्लीकेशन विच इज द बेस्ट प्रीवेलेंट स्टेट, गिव रीजंस विद एग्जांपल्स। क्या लग रहा है, ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है? नहीं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे थोड़े थोड़े पॉइंट्स में आएंगी प्रैक्टिकल, लेकिन यहाँ प्रैक्टिकल नहीं है, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। आप चाहो तो इसको बहुत आसानी से इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, ठीक है ना। एक्सप्लेन अरिथमेटिक मीन अलोंग विद इट्स प्रॉपर्टीज, है ना। तो समटाइम्स प्रॉपर्टीज को बताने के लिए हम लोगों को थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है, जैसे कि n+1/2 जो हमारा AM निकलता है, अरिथमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन। कुछ कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आप चाहें तो इंक्लूड कर सकते हैं थ्योरेटिकल में, हालांकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर आप करेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है ना। तो इसका सॉल्व मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय डिसीजन थ्योरी, कंप्लीटली एकदम थ्योरी थ्योरेटिकल पोर्शन है, है ना। व्हाट आर द की इश्यूज इन डिसीजन थ्योरी, कंप्लीटली देखो 10 मार्क्स का है, यहाँ पे भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। तो पहले 3 क्वेश्चन आपको थ्योरी के मिल गए, चौथा भी है वो भी थ्योरेटिकल है। देखो, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोरिलेशन, है ना। लेकिन इन सब क्वेश्चन में थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स, मतलब आपको जस्ट समझाने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर, फॉर्मूलाज के तौर पर आपको देने होंगे, जो कि बहुत टफ नहीं है। वो मैं आपको दिखा दूंगा, वो मैं आपको इस वीडियो इसके सॉल्व के साथ प्रोवाइड करा दूंगा। 5वां नंबर भी देखो, ये तो कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन है, प्रोबेबिलिटी वाला, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो होती है वगैरह वगैरह, डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, है ना। ये देखो, ये 5 क्वेश्चन अभी आपके 100 मार्क्स पूरे हो गए इसी में, है ना। उसके बाद देखो, 2 क्वेश्चन है जो कि न्यूमेरिकल है, जैसे कि ये 6 और 7, और 8वां क्वेश्चन ये भी आपका थ्योरेटिकल है। मतलब 5 क्वेश्चन उधर थ्योरेटिकल प्लस 6 क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल दिए जा रहे हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 5 ही अटेंड करना है। अब आप बताओ कि आपका स्ट्रेस सबसे ज्यादा किस चीज की तरफ होना चाहिए, क्या न्यूमेरिकल्स की तरफ होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थोड़े बहुत डिफरेंट वो लोग देते हैं। ऐसा नहीं कि जो बुक में है वही दे देंगे, थोड़े बहुत वैल्यूज वो लोग चेंज कर देंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं याद करके उसको कर लूंगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। सो मेरा कहना है कि आपका ध्यान जो है थ्योरेटिकल पोर्शन के ऊपर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये टोटल क्वेश्चन का 80% से ज्यादा ये वेटेज है।
अगर यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, 8 में से 6 आपको समझ में आ रहा है, 8 में से 6 आपको मतलब कंप्लीटली इसमें दिए गया, थ्योरेटिकल दे दिया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। तकरीबन 70-80% क्वेश्चन जो है आपका थ्योरेटिकल है, टोटल 100% ही क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, बट आउट ऑफ 8 अगर 6 दे दिया जाए तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन ही थ्योरेटिकल है एक तरह से अगर देखा जाए तो। तो मेरा कहना होगा कि आप बहुत ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल की तरफ मत करो, क्योंकि क्वेश्चन वहां पे दिक्कत होती है लिखने में। मैं भी अपने टाइम में न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, थ्योरेटिकल ही है। आने वाले समय में इसका एप्लीकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है किसी भी फील्ड में, हालांकि कुछ कुछ फील्ड में है, ऐसा नहीं कि नहीं है, बट मैक्सिमम फील्ड्स में इसका कोई एप्लीकेशन नहीं होता है, ठीक है ना। ये जस्ट आपका एक तरीके से ब्रेन को थोड़ा सा वार्म अप कराने के लिए, या फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजों को आप कैसे सॉल्व करते हो वो सारी चीजों को चेक करने के लिए इस पेपर को दिया जाता है, ठीक है। ओके ये रहा हमारा पेपर का एनालिसिस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलता है अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।